तो देखते हैं। ये मैंने 2.25 मीटर फैब्रिक लिया है। बिग साइड पार्ट की कटिंग देख लीजिए। पहले ये हमारी जो लेंथ है वो देखिए, यहाँ पे लेंथ मैंने ली है 35 प्लस हाफ, और नीचे हम जो फोल्ड करने वाले हैं वो पट्टी ज्वाइंट कर लेंगे, तो हमारी 35 यहाँ पे कम लेंथ जो है तैयार हो जाएगी। अब मैं आपको शोल्डर बता रही हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने शोल्डर लिए हैं 7.5 इंच, ठीक है, और जो नेक है वो हम रखेंगे यहाँ पे 3 इंच, बैक साइड का पार्ट है इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। और चेस्ट है यहाँ पे 35, तो इसमें हमने 2 इंच प्लस किया है, तो 35 और 2 37 का फोर्थ पार्ट हो गया है 1.25 इंच बैक साइड पार्ट के लिए, यहाँ पे 1.25 इंच, और फुल ब्रेस्ट भी हमारे 37 है तो 1.25 इंच पे पॉइंट लगा दिया है। कमर का पॉइंट लगाते हैं हम शोल्डर से 14 इंच नीचे, तो यहाँ पे हमने लगाया है, कमर है हमारी 30 और प्लस हमने यहाँ पे फोर कर लिया है 8.5 पे पॉइंट लगा दिया है। और हिप्स की हमने ड्रॉइंग करनी होती है, हम मार्किंग करते हैं 22 पे, तो यहाँ पे देखिए 22 पे देखिए आप, तो ये हमारा 22 हो गया। यहाँ पे हमारी हिप्स है 38, तो यहाँ पे 38 का फोर पार्ट बराबर मिलेंगे 9.5 इंच। तो अब ये जो तीनों पॉइंट्स है, चेस्ट, फुल ब्रेस्ट, कमर और हिप्स, तीनों को मिला दीजिएगा आप। कैसे मिलाएंगे? ये हमने हिप्स से कमर को मिला दिया है, और कमर से फुल ब्रेस्ट और चेस्ट को ऐसे मिला देना है बिल्कुल बराबर में, ठीक है। और फिर हमने जो मार्जिन लिया हुआ है वो हम 1 इंच का या फिर आप 1.5 इंच का यहाँ पे मार्जिन रख सकते हो यहाँ पे, फिर आप नीचे तक सीधा स्ट्रेट इसकी कटिंग कर सकते हो। मेन यहाँ तक मोस्टली होते हैं। अभी हमारा बिग साइड पार्ट हम कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे आप 1 इंच का राउंड शेप लगा दीजिएगा, और आर्मोल जो लिए हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे 7.5 इंच मैंने आर्मोल लिए हैं, और 7.5 ही शोल्डर लिए हैं, और 1 इंच का राउंड शेप लगा करके, और चेस्ट पे हमने मार्किंग किया है 1.25 इंच पे। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं, और कटिंग करने से पहले यहाँ पे आप 1/2 इंच का शेप नेक लाइन से और शोल्डर तक 1/2 इंच का शेप ये ड्रॉइंग कर लीजिएगा। तो ये मैंने लेंथ तक इसकी जो है वो देखिए कटिंग है कर ली है। अब आपको एक कट यहाँ पे लगाना होता है फिटिंग पॉइंट पे, एक कमर पॉइंट पे, और जो है नेक्स्ट वाला आप यहाँ पे लगाइए हिप्स पॉइंट पे, और इससे ऊपर जो है हमारी जो ये नेक विड्थ होती है यहाँ पे हम कट लगा देते हैं। अब मैं आपको आगे का पार्ट्स कटिंग करना बताती हूँ। आगे के पार्ट्स को बराबर में ही कटिंग करना है। नीचे से फोल्डिंग के लिए पहले से एक्स्ट्रा ले लिया है, इसमें हमें ज्वाइंट करना होगा बैक साइड के पार्ट्स में, आगे में मैंने एक्स्ट्रा ले लिया है, ठीक है। और ये देखिए जो नेक लाइन की साइड है, ये जो हमारी नेक लाइन यहाँ पे कॉलर लगेगी उसकी ये जो साइड है उसको हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है, बाकी आपको बिल्कुल बराबर में ड्रॉइंग कर लीजिए। हमने बिल्कुल अपने बिग साइड के पार्ट्स के बराबर देखिए ड्रॉइंग कर लिया है, ये 1/2 इंच सिर्फ आगे नेक लाइन के साइड में एक्स्ट्रा रखा है। तो अब हम इसकी बराबर में कटिंग कर लेंगे, और फिर जो ये आगे का शेप है आर्महोल का वो आपको शेप लगाना और कटिंग करना भी दिखा देंगे। देखिए कटिंग करने के बाद में पहला मैं यहाँ पे पॉइंट लगाऊंगी जो कट का, वो नीचे की जो फोल्डिंग होती है उस पे। दूसरा हम कट का पॉइंट लगाएंगे हमारे हिप्स पॉइंट पे। तीसरा मैंने कट्स का पॉइंट लगाया कमर के पॉइंट्स पे, और चौथा कट का पॉइंट लगाया फिटिंग पॉइंट पे, और पांचवा कट का पॉइंट लगाया जो हमारी नेक की चौड़ाई होती है उस पे, ठीक है। यहाँ पे आप 2.5 इंच से लेकर के 3 इंच तक आपकी जितनी चाहे उतना आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा पार्ट्स बिल्कुल से ऑलरेडी है। आगे के पार्ट्स में मैं आपको यहाँ पे कॉलर की कटिंग और ड्रॉइंग बता देती हूँ। यहाँ पे मैं 2.5 इंच ले रही हूँ, और इस 2.5 इंच को मैं यहाँ पे राउंड शेप लगा दूंगी। तो ये मेरा यहाँ पे राउंड शेप कॉलर का नेक हो गया है, बहुत ही हाई नेक और कॉलर का नेक, बहुत ही आपको इस कुर्ती में बहुत सुंदर लगेगा। यहाँ पे हम यह शेप लगाएंगे, वो देखिए इस प्रकार से कुछ लगा देंगे। तो ये आप आगे का शेप 1/2 इंच का इस प्रकार से लगा लीजिएगा। और ये जो नेक लाइन है यहाँ पे हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा, मैंने 3 इंच क्यों लिया है क्योंकि आपको पता है यहाँ से जो 1/2 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया हुआ है आगे के पार्ट्स को, और क्यों लिया वो आप डिजाइन्स में देखेंगे ही। अब ये जो आगे का पार्ट्स है आप इसको 2 कट कर लीजिए घर लगा करके, आपको बिल्कुल बराबर से और बहुत अच्छे से इसको डबल कट में ऐसे ओपन कर लेना है, पूरा आगे तक, पूरा जो फ्रंट पार्ट है आपको ऐसे आगे तक ओपन कर लेना है। फ्रंट पार्ट्स ओपन हो गए, बाजू की कटिंग कर लेते। बाजू के हमने जो लेंथ लिया वो लिया है मैंने 13 इंच, तैयार यहाँ पे रहेंगी, तो मैंने 13 प्लस हाफ लिया है देखिए। और जो बाजू की आर्म होल है वो मैंने यहाँ पे ली है 8 इंच, और 1 इंच का मार्जिन है। बॉटम्स मैंने लिया है 5 इंच, और यहाँ पे भी हम 1 इंच का मार्जिन रखेंगे। तो ये हमारी ये वाली लाइन ओके होगी। अब हम इसकी यहाँ पे राउंड शेप में कटिंग करेंगे। ये हमारा राउंड शेप है, और इसमें हम 1/2 इंच का आगे का शेप लगा देते हैं।
तो ये हमारी आधा इंची का आगे का शेप हो गया है। अब आप बाजू की कटिंग कर सकते हैं। हमारी बाजू की कटिंग हो गई है, मिडिल सेंटर पे मैं कट का निशान लगा देती हूँ और आगे के टू पार्ट्स में हम आगे का शेप कटिंग कर लेते हैं। तो ये हमें टू पार्ट्स में ही कटिंग करना है, तो इसको आप ऐसे ही शेप लगा सकते हैं। तो ये हमारी बाजू की कटिंग भी यहाँ पे कम्प्लीटली हो गई है। अब हम आपको इसकी स्टिचिंग बताते हैं। डिजाइन के लिए हम 1.25 इंच की पट्टी कटिंग करेंगे, 1.25 इंच की, और इसको स्टिच करके फोल्ड करेंगे डोरी की तरह। क्लाइन है और जो मैंने आधा इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा लिया था वो यहाँ पे ऐसे देखो फोल्ड करना है मुझे, ठीक है। और इसको मैं 4 इंच तक ओपन रखूंगी यहाँ पे, यहाँ तक, ठीक है। और यहाँ से हम इसकी डिजाइन बनाएंगे 9 इंच से, और शोल्डर पॉइंट से 9 इंच से नीचे से हम और हिप्स पॉइंट तक इसकी जो है हम डिजाइन बनाएंगे। तो ये हमारा हिप्स पॉइंट है 22 इंच, और ये हमारी जो डिजाइन है उसकी एरिया है, ये हमारे डिजाइन की एरिया है, ठीक है। और ये हमारी जो है आगे की देखो मैंने फोल्डिंग करनी है, उसको मैंने फोल्ड किया हुआ है आयरन से। तो आइए डिजाइन बनाना आपको बता देते हैं। और उसके लिए ये देखिए मैंने पट्टी तैयार की है, और ये पट्टी आपको कटिंग करके दिखाई है, ये मैंने 1/2 इंच की तैयार कर ली है। अब मैं अपनी नेकलाइन पे आपको डिजाइन बनाना बताती हूँ। तो देखिए ये जो हमने पट्टी स्टिच की हुई है, इसको आपको यहाँ पे स्टिच लेनी है। यहाँ से हम इसकी स्टिच स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ये हमारी स्टिच होगी, और यहाँ पे हम इसको इस प्रकार से देखिए फोल्ड करेंगे। आपको यहाँ जब ये कॉर्नर पे आ जाए जहाँ पे आपने पॉइंट लगाया हुआ है, यहाँ तक आप इसको करके और इसका ऐसे सीधा नीचे से फोल्ड करनी है, ठीक है। और फिर हमें इसको ऐसे ऊपर से फिर फोल्ड लेनी है। ये हो गई है आपकी सेल्फी डिजाइन, देखिए ये, ठीक है। और इसको आपको यहाँ से स्टिच लेना है। कैसे लेना है वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे आपको ये वाली सिलाई लेनी है, यहाँ से ऊपर तक ओपन रखनी है, ठीक है। तो अब मैं आपको इसकी स्टिचिंग करके भी मैं दिखा देती हूँ, स्टिचिंग निकाल करके, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पे अगर आपसे अच्छे से नहीं होती तो आप इसको फोल्ड करके और आलपिन अटैच करके भी आप इसको जैसे स्टिच ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ये देखिए ये हमारी यहाँ पे फर्स्ट स्टिच कंप्लीट हो जाएगी। ये हो गई है यहाँ पे। अब हमें इसको यहाँ पे ऐसे फोल्ड कर लेनी है। मुझे विश्वास है कि आपको जो मैं समझाऊंगी अच्छे से समझ में आ जाएगी। ये देखिए यहाँ पे हो गए हैं। अब आपको फिर और स्टिच लेनी है। कैसे लेनी है देखिए, ये हो गया है। अब हम इसको यहीं से वैसे स्टिच लेंगे। फिर हम इसको डबल स्टिच होती है ये यहाँ पे, और सेम ही कलर की। अगर आप अच्छी लेटेस्ट कुर्ती बनाना चाहते हो तो आप ये जो डिजाइन है वो सेमी कलर की लगाइएगा, अदर कलर में आपको इतनी अच्छी नहीं लगेगी। तो ये देखिए ये हमने इसको ऐसे स्टिच ले लिया। इसी प्रकार हम सेकेंड स्टिच लेते हैं। सेकेंड स्टिच के लिए देखिए यहाँ से आप इसको यहाँ तक लीजिएगा, ठीक है। और अगर आपकी ऐसे समझ में नहीं है तो आपको इसको मैं आलपिन से स्टिच करके बता देती हूँ कि कैसे आप उसको कच्चे से वो अच्छे से कर सकते हो। और ये देखिए यहाँ पे ये हो गया हमारी डिजाइन यहाँ पे कम्प्लीटली फोल्डिंग, और इसको आपको ऐसे करके ऐसे स्टिच लेना है। और जो मैंने यहाँ पे नेक लाइन से और 7 इंच नीचे जो स्टिचिंग स्टार्ट किए, इसको मैंने हिप लाइन तक ऐसे पूरी डिजाइन से कवर्ड कर लिया है। हमारी दोनों साइड डिजाइन से पैटर्न लग चुके हैं, और अब हम ऊपर में पट्टी स्टिच करें जो फोल्डेड वाली है। दोनों साइड में आप 4-4 इंच जितना आपने ओपन रखना है उतना आप पट्टी स्टिच कर लें। और अब यहाँ पे यहाँ से हम नीचे तक डायरेक्टली स्टिच करेंगे। जितनी आपने आधा इंच एक्स्ट्रा रखी हुई है बीच से, वो आधा इंच के आप यहाँ पे डायरेक्टली स्टिचिंग कर लें। डिजाइन्स तक मैंने इसको कवर कर लिया है। तो ये देखिए यहाँ पे ये हमारा जो लुक है वो बहुत ही सुंदर आएगा। अब ये जो बीच में अब हुक पट्टी के ऊपर स्टिच होने वाली है, पट्टी मैंने स्टिच कर लिया है, और यहाँ पे इसके नीचे हमें लगा देना है। एक साइड पे आपको इसकी स्टिच लेनी है, वन साइड आप इसकी स्टिच करेंगे पट्टी, नीचे स्टिच कर लेनी है पट्टी। तो ये मैंने एक साइड में इसमें नीचे पट्टी स्टिच कर दी है, जो हमारा नेक लाइन ओपन है उसके नीचे। बहुत ही सुंदर हमारी सेल्फी कुर्ती ये बनेगी। इसको आप अपने घर पे 2.25 मीटर फैब्रिक से बना सकते हैं। और अब हम शोल्डर जॉइंट करेंगे, और इसके बाद आपको कॉलर स्टिचिंग करके दिखाएंगे। 8 इंच है देखिए,
शोल्डर जॉइंट करने के बाद जो निकलाई ना वो 8 इंच की है, तो आप अपनी कॉलर को यहाँ पे जांच लें। ये देखिए 8 इंच की मैंने कॉलर कटिंग कर ली है।